हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर मैथ्स मेनिया। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। सी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करते थे रूट्स फाइंड करने के लिए। इफ डी ग्रेटर देन जीरो then the roots are real and distinct. If d is equal to 0, the roots are real and equal, or d less than 0, the roots doesn't exist. ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 में ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके वीडियो देखिए, तो ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू 5। ए बी सी लिख लेते हैं। एक ए में क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी में एक्स का कोएफिशिएंट, अगर माइनस है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, और सी में कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। नाउ बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या है, 9, -4 2 8, 8 5 40, ±, 40 -9, 31। साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो डी इज इक्वल टू -31 एंड दैट इज लेस देन 0। तो यहां पे हम लिखेंगे हियर डी लेस देन 0, सो द रूट्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, डी लेस देन 0, सो द रूट्स डजंट एग्जिस्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, 3x square, first of all a is equal to 3, b is equal to -4√3, or c is equal to 4. Now d is equal to b square -4ac, b की value क्या है, -4√3 का square -4, a की value 3, c की value 4। मैंने आपको इसके पहले के एक क्वेश्चन में सिखाया था कि कैसे इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। नाउ फिर से एक बार देखिए, ये स्क्वायर इसे भी मिलेगा, इसके इसे भी मिलेगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 48, और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो 48 माइनस 4 3 12, 12 4 48, तो 48 -48 0। ठीक है, इफ d इज इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हियर d इज इक्वल टू 0, सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स फाइंड करने के लिए आपको पता है इक्वेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, -4√3 प्लस और माइनस 48 अपॉन, सॉरी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी इज इक्वल टू 0, तो डी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 0 2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, -± +4√3 प्लस और माइनस 0 2 3 6, 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4√3 अपॉन 6 अल्फा बीटा, 2 2 4, 2 3 6, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2√3 अपॉन 3। ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2√3 अपॉन 3, तो अल्फा इज ऑल्सो
टू रूट थ्री बाई थ्री एंड बीटा इज ऑल्सो टू रूट थ्री बाई थ्री। तो जब भी डी इज इक्वल टू जीरो होगा हमें दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, सी इज इक्वल टू थ्री। सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू टू, सी की वैल्यू थ्री। माइनस सिक्स का स्क्वायर 36, फोर टू सा एट, एट थ्री सा 24, सो इट बिकम्स 12, डी इज इक्वल टू 12। सो हियर डी ग्रेटर देन जीरो, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो यहां पे लिखेंगे, सो हियर डी ग्रेटर देन जीरो, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी अपॉन टू ए, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू, माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस सिक्स प्लस और माइनस, बी की वैल्यू क्या मिली हमें 12, टू ए की जगह पे टू, माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस और माइनस। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, फोर थ्री सा 12, टू टू सा फोर, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सिक्स प्लस और माइनस, फोर स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा टू रूट थ्री बाई फोर। तो अल्फा बीटा दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, टू, तो अंदर क्या बचा, थ्री प्लस और माइनस रूट थ्री बाई फोर। एक बार प्लस दीजिए, थ्री प्लस रूट थ्री बाय फोर, बीटा इज इक्वल टू टू थ्री माइनस रूट थ्री बाय फोर, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर। तो अल्फा इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री बाय टू, बीटा इज इक्वल टू थ्री माइनस रूट थ्री बाय टू। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे हमें पहले से क्या दे दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल, और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टू इक्वल रूट्स कब मिलते हैं। तो आपको सबको पता है कि व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो रूट्स आर इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे हम, हियर एन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो डी इज इक्वल टू जीरो। डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज डी का इक्वेशन क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। पहले इक्वेशन में से हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू थ्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन, तो बी की जगह पे क्या आएगा, के का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह पे टू, सी की जगह पे थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो के स्क्वायर माइनस फोर टू सा एट थ्री सा 24 इज इक्वल टू जीरो। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, सो के स्क्वायर इज स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो के इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स फोर सा 24, ठीक है। ये फोर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, टू रूट सिक्स प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। क्यों, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस पुट करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लस टू का स्क्वायर भी क्या होता है, फोर, माइनस टू का स्क्वायर भी क्या होता है, फोर। तो हमें यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज दिखानी है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, के इज इक्वल टू टू रूट सिक्स और माइनस टू रूट सिक्स, ठीक है, इट इज अवर आंसर। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दो,
कि एक्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ भी होगा, टू के साथ भी होगा, तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स 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 स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. नाउ ए इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा ए, बी इज इक्वल टू माइनस टू के एंड सी इज इक्वल टू सिक्स. ठीक है, यहां सेम लाइन हम रिपीट करेंगे. हियर एन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो डी इज इक्वल टू जीरो, सो इट बिकम्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, बी स्क्वायर क्या होगा हमारा माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह पे के सी की जगह पे सिक्स इज इक्वल टू जीरो. माइनस टू के का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो. नाउ सी दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा फोर के अंदर क्या बचा के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. जीरो हम फोर के को भी देंगे के माइनस सिक्स को भी देंगे, तो फोर के इज इक्वल टू जीरो और k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सो k इज इक्वल टू जीरो बाय फोर, सो k इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू सिक्स. बट सी अगर हमने k की वैल्यू जीरो ली तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे k की वैल्यू जीरो ली तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो हम k की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हैं, सो इट इज Not possible. So value of k is equal to 6. पता चला हमने जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम जीरो लेते तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता जीरो, तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता नहीं. इसीलिए हमने क्या किया यहां पर जीरो नहीं लिया और सिर्फ क्या लिया k की वैल्यू 6. तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स. अगर आपको क्वेश्चन 1, 2 में कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.